हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे पास एक फ़ोन है, ओप्पो का A9 मॉडल है जो कि मीडियाटेक का है। और यहाँ पे आप उसका देख सकते हैं, मॉडल CPH 1938 बता रहा है, CPH 1938। और यहाँ पे जो एक आया है शॉप से रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रॉब्लम, ये डेड वुड में है। मतलब इसके अंदर शायद किसी ने कोशिश किया होगा फ्लैशिंग करने या अनलॉकिंग करने के टाइम, तो ये किसी से शायद बंद हो गया है। ऑलरेडी इसका पैनल वगैरह सब खुल के आया है, तो ये मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि ये फ़ोन ऑलरेडी किसी ने अनलॉकिंग टाइम पे फ़ोन को डेड कर दिया है। तो यहाँ पे हम भी चेक करेंगे कि क्या रीज़न है इसका, पूरा प्रॉब्लम चेक करेंगे स्टेप बाई स्टेप। पहले तो ये चेक करेंगे ये फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा है, मतलब किसी टेक्नीशियन ने या किसी भाई ने अगर हमारा जो ये डेड किया होगा, तो क्या ये ऑटो पोर्ट बना रहा है या कुछ कंडीशन में अटक गया है, ब्लैंक आ रहा है, जो भी है। और यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसका डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ केबल से। चेक करेंगे यहाँ पे ऑटो पोर्ट तो शायद ये नहीं बना रहा, लेकिन ये वाइब्रेट हुआ है, वाइब्रेट हो रहा है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ना कि ये ऑटो पोर्ट बना रहा है, ना यहाँ पे कोई स्क्रीन में कोई चीज़ इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। मैं चार्जिंग लगा लिया हूँ, वापस निकालता हूँ। देखो यहाँ पे कंप्यूटर में तो कनेक्ट होने का आवाज़ आ रहा है, मतलब पोर्ट का नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोर्ट देख सकते हैं, पोर्ट तो नहीं ले रहा, ऑटो पोर्ट नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखो अभी ये वाइब्रेट हुआ है, वाइब्रेट होने के बाद स्क्रीन पे इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। एक्चुअली ऐसा मुझे लग रहा है कि इसका फर्मवेयर डैमेज हो चुका है, हो सकता है किसी ने अनलॉकिंग में इसको फ़ोन को डैमेज कर दिया है या कुछ कंडीशन में हो गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको फ्लैशिंग करके देखना चाहता हूँ, अगर मैं ये नॉर्मल, क्योंकि ये मीडियाटेक है, तो मीडियाटेक ये इजीली मैं कर सकता हूँ फ्लैशिंग। अगर ये क्वालकॉम होता तो यूएसबी से पॉसिबल नहीं होता, उसका लोडर फाइल अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे हमें ISP वगैरह करके या उसके अंदर UEFI में MMC निकाल के लगा के करना रहता है। तो ये मीडियाटेक है, सबसे पहले तो मैं इसको यूएसबी से ट्राई करूँगा, फ्लैशिंग करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो उसके आगे हम नेक्स्ट EMMC में निकाल के देखेंगे कि EMMC से इसका कोई पार्टीशन डैमेज हुआ है, वो जो भी है आगे नेक्स्ट का। तो सबसे पहले तो हम इसको फ्लैशिंग करेंगे, फ्लैशिंग मीडियाटेक का है, हम इसको SP टूल से कर सकते हैं जो फ्री वाला टूल होता है, हम इसको मिराकल से भी कर सकते हैं, UMTV से कर सकते हैं, और अनलॉक टूल भी तो बेस्ट है। क्योंकि अनलॉक टूल के अंदर कैसा होता है, ये जो मॉडल है ओप्पो और रियलमी का, इसकी जो फ्लैश फाइल आती है OFP फॉर्मेट में आती है, मतलब जैसे कि मीडियाटेक है तो स्कैटर फॉर्मेट में पहले नहीं आता, पहले तो ये डायरेक्टली जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो OFP इसका एक फॉर्मवेयर जो होता है, फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में ये आते हैं। तो UMTV के अंदर अभी तो ये अपडेट नहीं आया है कि ये डायरेक्टली OFP फाइल को सेलेक्ट करके फ्लैश करना है, ये फिलहाल अभी तो आपका अनलॉक टूल के अंदर है। तो अनलॉक टूल से भी हम ये फ्लैशिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी फॉर्मवेयर एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आज दूसरे टूल से करने वाले फ्लैश, जो कि हमारे पास एक पैंडोरा बोल के बॉक्स आया है, हमने परचेस किया, तो ये पैंडोरा से आज इसको हम फ्लैशिंग करेंगे। तो जो चीज़ हम बाकी टूल में नहीं कर सकते, इसमें कुछ नया क्या है हम इसमें देखेंगे, इसका यूज़ क्या है देख लेंगे पूरा के। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ऑटो पोर्ट तो नहीं बनाया, और दूसरा वाइब्रेट हो रहा है, ये वॉल्यूम की से अगर ये पोर्ट बना रहा होगा तो हम पहले ये चेक कर लेंगे। सबसे पहले इसको मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ, और पोर्ट बनाने के लिए हम वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन का की का यूज़ कर लेंगे, और उसको प्रेस करके केबल इंसर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट मीडियाटेक का यहाँ पे अपीयर हो चुका है, पोर्ट आके चले जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप मीडियाटेक का प्रीलोडर पोर्ट बनाने लगा है, मतलब यहाँ पे पोर्ट ओके है, सारा कुछ ओके और वाइब्रेट हो गया है। तो एक बार मैं इसको फ़ोन को कनेक्ट कर लेके फ्लैशिंग करके देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम मेरा सॉफ्टवेयर से है या हमारा EMMC से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर करेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पैंडोरा बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, और पैंडोरा से ही हम आज फ्लैशिंग करके देखेंगे। क्योंकि यूट्यूब में हर एक जगह से करते हैं लोग फ्लैश, अनलॉक टूल से करते हैं, UMTV से करते हैं, CM2 से करते हैं, तो आज हम यहाँ से पैंडोरा से करेंगे OFP। और इसके अंदर एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर भी अनलॉक टूल जैसा ही है, मतलब OFP को डायरेक्टली फ्लैश करता है, ज़रूरी नहीं है कि OFP को एक्सट्रैक्ट करके हम इसका स्कैटर फाइल को बाहर निकाल के फ्लैश करना है, हम इसमें से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी से फ्लैश करके दिखा दूंगा। पहले तो ये कनेक्ट करने के तरीके बता देता हूँ, किसी ने अगर कोई लेना चाह रहा है
बॉक्स लेना चाह रहा तो उसको कैसा ये कनेक्ट करना है, केबल जो आते हैं साथ में, मतलब हमारे एक्स्ट्रा जो केबल होते हैं बाहर के जो ऐसे नॉर्मल केबल होते हैं इससे काम नहीं करता, इसी के साथ जो केबल आता है उसी से हमारा फ़ोन कनेक्ट होगा, फ्लैशिंग होगा, ठीक है, अदर से हम केबल नहीं कनेक्ट कर सकते। तो सबसे पहले तो ये केबल एक आता है यूएसबी डाटा केबल, अपना V8 टाइप का केबल आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये V8 है और हमें ये बॉक्स में कनेक्ट करना है। तो उसमें एक बीच में एक कन्वर्टर भी दिया है, ये एक कन्वर्टर होता है बीच में का, यहाँ पे एक यूएसबी इन और एक पावर इन बोल के दिया, दो स्लॉट दिया है, तो हम यहाँ पे यूएसबी इन में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये वाला ये पिन हम इसको बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा बता देता हूँ सबसे पहले कनेक्ट करने का प्रोसेस, ये मैं यहाँ पे केबल को कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो अडेप्टर पिन है हमारी यहाँ पे यूएसबी इन के अंदर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा यहाँ पे कनेक्ट और उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स को भी कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका बॉक्स का पिन है और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन बॉक्स कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे लाइट भी आ गई है ग्रीन कलर की, ठीक है। और अभी ये जो फ़ोन है इसका जो कनेक्टर है V8 का ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो केबल एक्स्ट्रा मिलते हैं मुझे, एक जैसे कि टाइप सी टू टाइप सी का है, मतलब अगर कोई टाइप सी वाला फ़ोन है तो आप यहाँ पे टाइप सी कनेक्ट होगा और इसके आगे टाइप सी का फ़ोन का कनेक्ट होगा, तो ये केबल है और इसके अंदर जो है टाइप सी टू V8 है, तो हमारा फ़ोन V8 का है तो और ये टाइप सी आपका यह बॉक्स में लगेगा इस तरह से और इसके आगे ये हमारा V8 का केबल लगेगा। तो यहाँ पे हमने ये पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया, अब सिंपली यहाँ पे हम टूल को ओपन कर लेंगे। उससे पहले तो आपको फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना रहता है और मेरे पास इसकी फ्लैश फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, CPH1938। इसलिए मैंने एक्सट्रैक्ट पहले करके रखा कि वीडियो लंबा ना हो और ये 10 GB का फाइल है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्मवेयर को मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर जो फॉर्मवेयर होता है हमारा OFP फॉर्मेट में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे OFP फॉर्मवेयर में है, फॉर्मेट में है, ठीक है, और CPH1938 वर्जन 11A24। तो ये हम इसको फ्लैश करने वाले हैं, ये 10 GB का होता है, ठीक है, और ये टूल से करेंगे तो इसमें ID पासवर्ड होना चाहिए सर्विस सेंटर वाला, तो ये तो हम इससे नहीं करने वाले और सीधा सीधा यहाँ पे हम सिंपली टूल ओपन कर लेते हैं पेंडोरा का। तो यहाँ पे पेंडोरा वर्क सेटअप मेरा इंस्टॉल्ड है, ये रन एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे, उसके बाद यस कर लेंगे। तो यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा सा टूल होने में टाइम लगेगा, तो जैसे कि टूल ओपन हो रहा है, ठीक है, ये हमारा टूल का इंटरफेस है, इस तरह से ये टूल ओपन हो गया और इसके बाद हमें इसके अंदर पहले तो मॉडल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको ऊपर में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 डॉट्स यहाँ पे आना है आपको, यहाँ आने के लिए आपको फिर यहाँ पे मॉडल लिस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा ओप्पो, इसमें जो CPH लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इसमें 1938 यहाँ पे CPH है और ओप्पो A9 है हमारा यहाँ पे मॉडल, इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाले देखो, जैसे कि यहाँ पे ये फ्लैशिंग का टैब है, फ्लैश रेड एंड फॉर्मेट जो कि यहाँ पे ऑप्शन है, आपको सिंपली आना है यहाँ पे, स्कैटर लोड होगा सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद यहाँ अगर ऑथेंटिकेशन देना है तो ऑथ फाइल भी डाल सकते हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में OFP बोल के फॉर्मेट आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे हम OFP फॉर्मेट को यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल है CPH1938, ये हमारी फाइल है, इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे सेलेक्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं OFP फाइल हमारी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है और 3 डॉट में आप देख के जा यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये फॉर्मवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आप पूरा फॉर्मवेयर देख सकते हैं इसके अंदर। चलो ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये सब कुछ सही है और हम इसको कर लेते हैं फ्लैश। तो फ्लैश करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है, राइट फॉर्मवेयर और राइट OFP। अगर आप राइट फॉर्मवेयर पे करेंगे तो ये स्कैटर वाला फाइल को सिलेक्ट करेगा, अगर आपको यहाँ पे OFP फाइल सिलेक्ट करना है तो राइट OFP पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे राइट OFP पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपका बोल रहा है वेटिंग फॉर डिवाइस, फ़ोन के लिए यहाँ पे वेटिंग पे है और फ़ोन कनेक्ट टू ब्रोम मोड। ब्रोम मोड कनेक्ट करने के लिए आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हम की को प्रेस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की दबा के प्रेस करते हैं, फिलहाल यहाँ पे पोर्ट नहीं बनाया बोल लगे ठीक से, तो मैं एक काम करता हूँ पावर की तीनों की एक बार साथ में प्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये मेरा बूट लॉक में पड़ा होगा, हो सकता है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, जैसे कि ये बूट लोक में पड़ा हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं आप फ़ोन मेरा प्रॉपरली वे में कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे सीपीयू की डिवाइस इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद सेंड टू डीए, ये हमारा एमएमसी का इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से हमारी हो गई है फ्लैशिंग स्टार्ट, मतलब यहाँ पे हमारे फ़ोन ने फ्लैशिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये सेम वे सारे चीज़ों में सारे टूलों में सेम ही होता है फ्लैशिंग करने का, कोई अलग अलग नहीं होता है। लेकिन इसमें पैंडोरा में बाकी टूलों से अलग ये है कि इसकी ये सिर्फ ओनली मीडियाटेक का बॉक्स है, इसमें ओनली मीडियाटेक का काम करेंगे। तो मीडियाटेक का सारे काम जो होते हैं, जितने टाइप के काम होते हैं, जैसे फ्लैशिंग बोलो, रीड फॉर्मवेयर बोलो, OFP फाइल बोलो, सिक्योरिटी रिपेयर करना, किसी का अगर ड्यूल सिक्योरिटी रिपेयर करना है, इसमें वन क्लिक में हो जाता है बिना कोई प्रॉब्लम के। मतलब बाकी और में कुछ मॉडल के होते हैं और कुछ मॉडल के नहीं होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप सारा कुछ कर सकते हैं, सिक्योरिटी रिपेयर, RPM भी रीड एंड राइट प्रॉपर वे में कर सकते हैं। इसमें आपको रीजन्स में है अनलॉक, कंट्री लॉक का बताता है मीडियाटेक के अंदर, तो बहुत सारे चीज़ें इसमें आपको देखने मिलेंगे। वन बाय वन आप कर सकते हो, सारे की ट्राई कर सकते हो। और वाइप डाटा इसमें विदाउट ओपन करने, मतलब ये फ़ोन को बिना खोले हम यहाँ पे उसको वाइप भी कर सकते हैं, विदाउट डाटा लॉस भी कर सकते हैं मीडियाटेक का, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, मिनिमम 5 मिनट्स टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम उसको ये वाला स्क्रीन को स्किप करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो यहाँ पे ये वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फ्लैशिंग डन हो गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक बार, और यहाँ पे फ़ोन देख सकते हैं आप, थोड़ा यहाँ पास से बताएं कि चार्जिंग का लोगो आ चुका है इसके ऊपर, देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आ गया है। देखो यहाँ पे परसेंटेज शायद बता रहा होगा, 18% बता रहा है। तो यहाँ पे फ्लैशिंग मेरा कम्प्लीटली ऑन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन आ गई है, जो कि इसका सॉफ्टवेयर से ही प्रॉब्लम था, जो कि किसी ने अनलॉक करते वक्त इसका फॉर्मवेयर को डैमेज कर दिया था। और यहाँ पे ऑन करके सबसे पहले देखते हैं हम इस फ़ोन को, तो यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है, स्क्रीन भी आ गई है, मतलब किसी टेक्नीशियन ने इसको फाइल में या कुछ फाइल को करप्ट करके इसके अंदर इस तरह का प्रॉब्लम। तो अब देख सकते हैं यहाँ सेकेंड लोगो आ चुका है, फर्स्ट लोगो आने के बाद सेकेंड लोगो भी आ गया है, और ये वही फ़ोन है आप देख सकते हैं, CPH 1938 है, जो कि वही खुला हुआ फ़ोन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है हमारा, फ्लैशिंग से हो गया है, मतलब किसी के काम गलत काम तरीके से उसको डेड कर दिया गया था। तो यहाँ पे अभी ऑन हो रहा है, और इस तरह से अगर आप सही नॉलेज लेना चाहते हो कि फ़ाइल के बारे में कैसे जानना है, कौन सी फाइल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फ्लैश करते हैं, ओप्पो, रियलमी, वीवो, इतने सारे अलग अलग ब्रांड हैं, सबके फ्लैशिंग का तरीका सबका अलग होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, वेलकम स्क्रीन आने तक वेट करते हैं, और देखेंगे क्या होता है इसके आगे नेक्स्ट, ये सेकेंड लोगों पे स्टक होता है या फिर हमारा फ़ोन पूरी तरीके से ऑन होगा, देखेंगे, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वेलकम स्क्रीन भी आ चुकी है, पूरा फ़ोन ऑन हो चुका है, इसका टच भी वर्किंग है, मतलब किसी के गलती के वजह से ये फ़ोन डेड हो गया था, और उसी ने यहाँ पे ये फ़ोन हमारे पास भेजा है रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे हमने इसको सिर्फ फ्लैशिंग से ऑन कर दिए, अगर ये डेड होता फ्लैशिंग के बाद भी अगर ऑन नहीं होता, तो इसे हमें AMMC निकाल के ही प्रोग्रामिंग कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे इसका FRP बाईपास कर लेंगे, *813# इस तरह से कोड डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी वेलकम स्क्रीन से बाईपास हो चुका है, और हमारी होम स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो एक बार सेटिंग में जाके देखेंगे कि किसी ने गलत फॉर्मवेयर डाल के IMEI नंबर इरेज तो नहीं किया। कभी कभी ये भी होता है कि इस कंडीशन में आपका अगर रॉन्ग फॉर्मवेयर डालने से भी फ़ोन डेड तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ IMEI नंबर भी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसबैंड आप देख सकते हैं, बेसबैंड वर्जन इसमें तो है, बता रहा है, शो कर रहा है। एक बार हम सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी भी हमारा ओके है, मतलब इसके अंदर नॉर्मल हो गया है हमारा फ़ोन। तो ये सही नॉलेज अगर होगी तो आपसे कोई फ़ोन डेड नहीं होगा, और बिंदास आप आराम से काम कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो डीप नॉलेज लेना होगा, और यहाँ पे फोन फिक्स HOD में आपको जीरो से लेके आपको बेस्ट एकदम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, किस तरह क्या काम करना है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, और लाइव यहाँ पे ये फ़ोन भी बनाते हैं स्टूडेंट के सामने। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग यहाँ आके एक्सप्लेन करते हैं या बस थोड़ा सा कुछ बता के ख़त्म करते हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट के भी फ़ोन्स बनाते हैं,
मतलब जो स्टूडेंट होता है वो साथ में अपने फ़ोन्स लेके आ सकता है, मिनिमम 10 फोन तो आराम से लेके आ सकता है, रिपेयर वाले, एमएमसी वाले, हार्डवेयर वाले, जो भी है जिस टाइप के रिलेटेड वाले, वो यहाँ ला के लाइव रिपेयर कर सकता है, और हम एक फ़ोन बना के आपके बाकी के फ़ोन आपसे ही रिपेयर करवाते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आप खुद से पूरे फ़ोन बना सकते हैं 20 डेज़ के अंदर, इतना आपको एक्सपीरियंस अच्छे से आ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं बिना कोई डेड रिस्क का, मतलब किसी ने डेड किया और उसको विदाउट डेड रिस्क यहाँ पे हमने ठीक से ऑन किए और यहाँ पे सही तरीके से काम करके ऑन हो गए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।